हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट जानकारी। आज मैं आपको पीपीएफ अकाउंट से लोन कैसे लेते हैं उसके बारे में बोलूँगा। अगर आपका कोई पोस्ट ऑफिस पर कोई पीपीएफ अकाउंट है तो पोस्ट ऑफिस का पीपीएफ अकाउंट से आप कैसे लोन ले सकते हैं उसके बारे में बोलूँगा। तो सबसे पहले, अगर इस चैनल पर आप नया हैं तो बैंक और पोस्ट ऑफिस का सभी तरह अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और फॉर्म फिलअप के बारे में जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले लोन लेने के लिए आपको इस तरह एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस पर है पीपीएफ अकाउंट, तो वहाँ पर SB7C ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। लोन लेने के लिए इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ। यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर जिस पोस्ट ऑफिस पर आपका पीपीएफ अकाउंट है उस पोस्ट ऑफिस का नेम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद जिस डेट पर ये फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो तो वो डेट यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद अकाउंट टाइप यहाँ पर पीपीएफ पर टिक दीजिए। एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, अगर आपका पीपीएफ अकाउंट 2 साल कंप्लीट हो गया तो आप लोन ले सकते हैं, नहीं तो आप लोन नहीं ले सकते। ये फॉर्म तभी फिलअप कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट 2 इयर्स कंप्लीट हो। तो यहाँ पर टिक देने के बाद अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपका पीपीएफ का जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आई, यहाँ पर अकाउंट होल्डर का जो नाम यहाँ पर है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अकाउंट होल्डर गार्जियन हैव आई अप्लाई फॉर लोन, यहाँ पर लोन पर टिक दीजिए। फ्रॉम माई अकाउंट मेंशन अबव, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर आप पहले ही दे चुका है, तो यहाँ पर आप जिस अमाउंट विदड्रॉ करना चाहते हैं तो उस अमाउंट यहाँ पर लिख दीजिए, फिगर में यहाँ पर लिख दीजिए, डिजिट में। उसके बाद यहाँ पर वर्ड में, शब्द में लिख दीजिए यहाँ पर आप जिस अमाउंट को विदड्रॉ करना चाहते हैं। उसके बाद सर्टिफाइड दैट द अमाउंट सॉट टू बी विदड्रॉन टू बी एविल्ड इन इज रिक्वायर्ड फॉर द यूज़ ऑफ, अगर इस अकाउंट कोई माइनर के नाम हो जिसका उम्र 18 साल से कम है, अगर कोई मेंटल डिजेबल्ड पर्सन का अकाउंट हो तो यहाँ ये कॉल में आप उसका नाम यहाँ पर लिख देना चाहिए, नहीं तो ये ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। उसके बाद प्लीज़ क्रेडिट द अमाउंट ऑफ लोन बाय विड्रॉल टू माय SB अकाउंट नंबर, आप पीपीएफ अकाउंट से आपका जो जिस अमाउंट लोन आप लेना चाहते हो तो उस अमाउंट लोन अगर आप पोस्ट ऑफिस का कोई SB अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो SB अकाउंट का मतलब सेविंग्स बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, वो सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तभी वो विदड्रॉ अमाउंट उस अकाउंट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। स्टैंडिंग एट नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस, अगर इस SB अकाउंट जिस पोस्ट ऑफिस पर आपका इस SB अकाउंट है तो उस पोस्ट ऑफिस का नेम यहाँ पर लिख दीजिए, उस अकाउंट नंबर पर आपका PPF का जो लोन अमाउंट वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप इस तरह ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख दीजिए, नहीं तो और अगर आप चाहते तो मैं अकाउंट पे चेक भी ले सकते हैं। तो अगर अकाउंट पे चेक लेना चाहते तो ये दो नंबर कलम आपको फिलअप ब्लैंक छोड़ दीजिए, तभी यहाँ पर आप टिक दीजिए प्लीज़ इशू ए अकाउंट पे चेक, तभी आपको एक अकाउंट पे चेक मिल जाएगा। तो अकाउंट पे चेक लेकर आप किसी भी अकाउंट आपका अकाउंट पर ये चेक जमा करके आप जो लोन अमाउंट वो डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उसके बाद और प्लीज़ पे इन कैश, अगर आप अकाउंट SB अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना भी नहीं चाहते हो और अकाउंट पे चेक भी नहीं लेना चाहते हो तो आप कैश भी ले सकते हो, लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, एप्लीकेबल फॉर बिलो 20,000, अगर 20,000 और 20,000 बिलो अमाउंट हो तो आप कैश में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा अमाउंट हो तो आपको अकाउंट पे चेक लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसके बाद थर्ड नंबर कॉलम पर जो है, सर्टिफाइड दैट ऑल द कंडीशन एप्लीकेबल अंडर स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ फॉर लोन विदड्रॉ हैव बीन कंप्लायंट विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एस एप्लीकेबल आर अटैच एस अंडर, आप पोस्ट ऑफिस से पहले पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉई है उससे पूछ लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ आपको देना पड़ेगा। तो जो जो डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट नेम यहाँ पर एक और दो नंबर पर आप लिख दीजिए, जो जो डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ आपको देना पड़ेगा। तो जो आपका जो PPF अकाउंट का जो पासबुक है वो आपको देना पड़ेगा,
और एक आधार कार्ड और पैन कार्ड का जेरोक्स आपको देना पड़ेगा। अब उससे पहले आप और एक बार एम्प्लॉय से पूछ लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट और भी लग सकते हैं, अब भी जरूरत हो सकता है। तो वो यहाँ पर एक और दो नंबर पर आप जिस जिस डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ सबमिट कर रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट नेम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन आपका जो सिग्नेचर वो यहाँ पर आपका सिग्नेचर कर दीजिए। जिस सिग्नेचर आप पीपल अकाउंट पर आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर यहाँ पर कर दीजिए। अगर आप सिग्नेचर नहीं कर सकते तो यहाँ पर आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा थंब इम्प्रेशन। इनिशियल और पोस्टल असिस्टेंट, यहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट जो जिस काउंटर पर आप ये फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो उस काउंटर का जो पोस्टल असिस्टेंट वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। इनिशियल और पोस्ट मास्टर, यहाँ पर उस पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर है वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। अटेस्टेड बाई, अगर यहाँ पर जिसका अकाउंट होल्डर अगर सिग्नेचर नहीं कर सकते तो अंगूठा लगाता है और थंब इम्प्रेशन देता है तो यहाँ पर अटेस्टेड करना पड़ेगा। अगर अकाउंट होल्डर सिग्नेचर कर सकते हैं तो यहाँ पर ये कलम ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पर थंब इम्प्रेशन और अंगूठा लगाता है तो यहाँ पर अटेस्टेड करना पड़ेगा। तो जो अटेस्टेड आपको थंब इम्प्रेशन को जो अटेस्टेड करेगा उसका नेम एंड एड्रेस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पर पेमेंट ऑर्डर, तो फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ओके। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना चाहिए, ये आपको ब्लैंक छोड़ दीजिए। सिग्नेचर ऑफ पोस्ट मास्टर, यहाँ पर पोस्ट मास्टर सिग्नेचर करेगा और यहाँ पर जो भी कॉलम है वो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय है वो फिलअप कर देगा। तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद एक्विटेंस टू बी फिल्ड बाय द डिपोजिटर, ये आपको खुद फिलअप करना पड़ेगा। आप जिस अमाउंट यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं तो उस अमाउंट को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कैश में लेना चाहते हो यहाँ पर वर्ड में लिख दीजिए, यहाँ पर डिजिट में लिख दीजिए। अगर चेक में लेना चाहते हो तो यहाँ पर चेक नंबर, डेटेड और चेक नाम, चेक पर जो डेट है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आप अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो इस अकाउंट नंबर को भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर और एक सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर डेट लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका पैन नंबर। अगर आप थंब इम्प्रेशन देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको थंब इम्प्रेशन को यहाँ पर अटेस्टेड करना पड़ेगा और उसका नेम और एड्रेस यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो अटेस्टेड कर रहा है। तो इस तरह ये फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ ये फॉर्म आपको काउंटर पर जमा करना चाहिए लोन अमाउंट विड्रॉ करने के लिए। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस तरह बैंक और पोस्ट ऑफिस रिलेटेड वीडियो हमेशा बनाता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने